नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा की सब तहसील भादसों में कलयुग के बेटे ने पिता का किया कत्ल। जमीन के छोटे से टुकड़े को अपने नाम करवाने को लेकर कर रहा था विवाद। जीरा के क्षेत्र मक्खू सुल्तानपुर रोड पर पुलिस नाके के दौरान एक ब्लैरो गाड़ी ने नौजवान को कुचला। पारिवारिक सदस्यों ने शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया रोष प्रदर्शन। भीखीविंड के गांव भगवानपुरा में विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई फायरिंग, 5 लोग हुए घायल। और अब हलचल विस्तार से। आज के कलयुग में खून के रिश्ते सफेद होते जा रहे हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया है नाभा की सब तहसील भादसों के गांव रामगढ़ में, जहां एक कलयुगी बेटे हाकम सिंह ने अपने ही 95 वर्षीय पिता नंद सिंह को छोटे से एक जमीन के टुकड़े को अपने नाम करवाने के लिए पिता के सिर पर लकड़ के बाले के साथ कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना भादसों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। 1:30 बजे इन्फॉर्मेशन आई सी कि जेड़ा हाकम सिंह है उन्हें अपने बाप के सिर च बाला मार के है जेड़ा कतल कर दिता। तो असी मौके पर गए सी, मौके पर जेड़ा बाला टुटा हुआ जो भी असी रिकवर कर लिया। जेड़ा ये हाकम सिंह है 50 साल का है, जिन्हें अपने बाप के सिर च है जेड़ा बाला मारिया लक्कड़ का, जिद नाल उसकी मौत हो गई। तो जी वजह रन से इन्हें अपने मकान है जोड़ा वो अपने नाव करवाना चाहता सी अपने बाप तो, थोड़ी मोटी लड़ाई रही सी, इस करके इन्होंने रात है जोड़ा सिर च बाला मार के अपने बाप न कतल कर दिता। उन्हें शराब वगैरह पीती हुई सी, जोड़ा असं यह FIR 302 IPC तहत परचा दर्ज करते। जीरा के क्षेत्र मक्खू सुल्तानपुर रोड पर जहां पुलिस का नाका लगा होने के बावजूद एक बलेरो गाड़ी एक नौजवान को कुचलकर फरार हो जाती है और पुलिस नाके पर देखती रह जाती है। इस बारे में जब मृतक के रिश्तेदारों की ओर से पुलिस को पूछा जाता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसके बाद मृतक के परिवार और शहरवासियों की ओर से इकट्ठा होकर रोष स्वरूप मृतक के शव को सड़क पर रखकर धरना दिया गया। वहीं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस की ओर से दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा। दूसरी तरफ जब इस हादसे को लेकर DSP यादविंदर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी का दबाव भी नहीं माना जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर बनती कार्यवाही की जाएगी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। भाई सानू ना साडे बंदे दा इत्थे एक्सीडेंट होया, 12:15 सानू कॉल आई कि साडे बंदे दा एक्सीडेंट हो गया वा। तो असी भाजी कम से कम भी जिनी ट्रैफिक सी 2 घंटे सानू लग गए इत्थे आंदे आंदे गड्डी च आए हैं, तो आन के भाजी डेड बॉडी इत्थे पई है ना, पुलिस वाले किसी ने नहीं कुछ नहीं किया, उदा दी उदा पई आ। 4 बजे तो बाद डेड बॉडी पुलिस वाले ने चकाई है, गड्डी जी मार के गई है वो भी भाजी असी खुद असी आप जाके फड़ी है गड्डी। लोहिया रोड के उत्ते एक्सीडेंट होया, इस संबंध में इतने वो मृतक के शिव के वारसा वालों जरा इतने जाम भी लगाया हुआ है, डेड बॉडी रखी हुई है। ये संबंध में FIR दर्ज करके भीखीविंड के नजदीकी गांव भगवानपुरा में हुई फायरिंग के दौरान 5 व्यक्तियों के घायल होने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गांव भगवानपुरा निवासी जसबीर सिंह और गुरलाल सिंह का गांव के ही कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अपने लगभग 200 साथियों की मदद से दूसरे पक्ष पर हमला कर फायरिंग की गई, जिस कारण सतनाम सिंह, जगरूप सिंह, सुखदेव सिंह, विक्की और मनदीप सिंह सभी निवासी गाँव भगवानपुरा घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु गाँव सुर सिंह वाला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें मनदीप सिंह के सिर में चोट लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना भीखीविंड की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल से 25 के करीब गोलियों के खोल बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO भीखीविंड
चरण सिंह ने बताया कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है और पीड़ितों के बयान दर्ज कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर बनती कार्यवाही की जाएगी। बीकी विंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। पहले वोटा तो तौर तुरी उदो इन्होंने सारी रात सानू सौन नहीं दिता, वोटा तो दो दिन पहला नहीं सौन दिता भी, उदो भी साढ़े अं बच्चे महा बचाए, उदो बाद इन्होंने अज फिर साढ़े ते गुस्सा कढ़िया वा, काके मेरे नूं बुखार चढ़िया ही, मैं इधर दुकान नूं चली गई हाँ, कुड़ियां मेरिया घरे सी, कुड़ियां मुंडे ते लेटदियां रहियां भी मेरे वीर नूं ना मारो, इन्हां मारनूं नहीं हटे, हर के ना मेरिया कुड़ियां दे विच पेड़ा मारियां, उन्हां दा लीड़ा लत्ता भी पाड़ गए, तुहानूं वीर जी ओह भी विखा दिंदे आ। किन्नी गोली चली है? गोलियां भी 30-35 गोलियां वीर जी चल ही गईयां, के 5-6 साडे बंदे जख्मी होए पए आ, एक बंदे साडे नूं जवाब देता वा, दो तीना बंद दाखिल नहीं अजे कर रहे थे। 3 दिन हो गए, एक दिन पहला आए ही, उदन हाडी गड्डी करी हुडर बजाउंदे ही, हाडे बूहे गड्डी नच के गया ही। कौन दे? कौन सी जी? एक नाम है राजू सिंह, एक नाम है जसू सिंह, यह बखशीस सिंह के मुंडे आ, जस ना सीसा सिंह प्यो दे नाम, उन्होंने वोटा का ही मसला चली जान दिया, उदों का उदों की साढ़े वैर वर कल साढ़े एक मुंडे ने सट लाई, उन्होंने वो जाते ही पेट्रोल पंप से मत्था टेकन जान दिया ही, कल उन्होंने वड्या है, अज हड से हमला किया, अं बचा किता बूहा मार के साडे घरे बहुत ज्यादा रोड़ाबंदी भी चलाया वा, साडा बंदा कोई घर नहीं है, बहुत ज्यादा सू परेशान किया वा, ये सारी गल हुई है जी, गरलाल दे हुई है, थ्रू गरलाल नाल आया 150 बंदा आया, उन्हें साढ़े को बहुत ज्यादा फैर किया, साडे घर के नच के गए, अद्धा घंटा घंटा नच के गए, साढ़े गोया गाड़ी बहुत सू परेशान किया, किन्ने बंदे जख्मी हो? जख्मी आड़े 7 बंदे जख्मी, एक नु जवाब दिता वा। पिंड भगवान ब्रिज 17 तरीक 17 नौ बजे तक दरखास्त आई जगबीर सिंह वालों, बखशीर सिंह वालों, उसके संबंधी अगर सब इंस्पैक्टर श्री पन्नाल जी ने टाइम दिता सी, दोवां पार्टियां जिहड़ी जख्मी पार्टी वो थाने आ गई, दूजी पार्टी आई नहीं, उन्हें अज पिंड होर कुछ अपने लैके कुछ अण पछाते लैके तो पिंड भगवानपुरे ठहर किए, जिस संबंधी मौके पर पुज के तफतीश की गई है, तस्दीक तफतीश के मुताबिक जोड़ा ये नाम जी हैगी बखशीस धन जसबीर सिंह धिरना होर 12 बंदे सद के ये हादसे को अंजाम दिता। सर किन्ने जख्मी हुए हुण तक? हुण तक तो जी इतराह मिली 4 बंदे जख्मी हुए दस्या ना जी। तो राउंड किन्ने चले सर? राउंड तो लगभग जी अजे कुछ क्लीयर नहीं हो सके, कोल काफ़ी ने, काफ़ी दसी देंगे, काफ़ी चलाए आ। एंटी नारकोटिक्स सेल की पुलिस टीम की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए राहुल निवासी गांव तिसंगा थाना बनावर जिला बदायूं उत्तर प्रदेश को 2 किलो 650 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीसीपी जसकरणजीत सिंह तेजा ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल के सब इंस्पेक्टर राजकुमार पुलिस पार्टी सहित चेकिंग के दौरान आदर्श नगर पार्क के नज़दीक मेन रोड पर मौजूद थे। इस दौरान चिकचिक चौक की तरफ से एक नौजवान पैदल आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया और पीछे की तरफ मुड़कर चलने लगा, जिसे पुलिस की टीम ने संदेह के आधार पर काबू कर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 2 किलो 650 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिस पर थाना डिवीजन नंबर 2 ने मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ADCP कमलप्रीत हैं ते नाल ACP परमजीत सिंह ते इंचार्ज CIA2 इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह, इन्होंने NDPS की उस लड़ी के एक बंदे नूं जिहड़ा गिरफ्तार किया जिहदा नाम राहुल है, जो उत्तर प्रदेश का रहन वाला, इहदे कोलों 2 किलो 650 ग्राम जिहड़ी है अफीम बरामद की है, तो हुण असीं जिहड़ा इहदा मानयोग कोर्ट तों जिहड़ा फरमान लैके ते फरदर जिहड़े फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक्स हैं जिहड़े उहदे सर कितनी देर तो रह रहा है इतने जलंधर? ये उत्तर प्रदेश ही रहा, उतों ये फीम देन आया सी, जिहड़ा इन्हूं इत्थे इनफॉर्मेशन के बिहाफ से जिहड़ा गिरफ्तार किया गया, तो 2 किलो 650 ग्राम जिहड़ी अफीम बरामद। जालंधर कमिश्नरेट की पुलिस की ओर से ट्रैफिक के नियमों की पालना ना करने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की बात की गई थी, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस की ओर से कंपनी बाग चौक में नाका लगाया हुआ था, तो वहीं नाके पर मौजूद कर्मचारियों की ओर से मोटरसाइकिल पर ट्रिपल राइडिंग कर रहे 3 नौजवानों को रोका गया, लेकिन ये नौजवान किसी तरह वहां से बचने के लिए अपना मोटरसाइकिल दौड़ाने लगे, तो इनके मोटरसाइकिल की चपेट में एक पुलिस कर्मचारी सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह आ गया,
जिस कारण सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह घायल हो गया और उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मामूली चोटें आने के कारण उसे प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया है, जिसके बाद पुलिस उक्त नौजवानों को राउंड अप कर थाने ले गई और उनका मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार उक्त नौजवानों पर बनती कार्यवाही की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। की नाम है? नाम दसो। कलीम सर जी। कोई गल की दसो। कुछ नहीं होया। पुलिस वालों रोक लिया सी का? दसो तीन जने बैठे से सी। हां जी तीन जने बैठे। स्पलेंडर ते आंदे सी तीन मुंडे, सिर ते हेलमेट नहीं सीगा। वह साढ़े सब इंस्पैक्टर है, उन्होंने हाथ दिता तो वह हाथ देने बजाय रुकन के बजाय उन्होंने फास्ट कढ़िया। जो फास्ट कढ़िया तो उन्होंने को हैंडल सैड न हो गए तो सब इंस्पैक्टर सतनाम दे इत्थे लगा, मतलब के जंग दे विच। और नाल उहदा जिहड़ा गोडा हैगा सज्जा गोडा थले हिट कर गया। चैक कराने भाई हड्डी टुटदी नहीं कितें हैगी। नाल इन्हां दे सीगा ASI बलविंदर सिंह ते नाल सीगा इक सुरजीत होमगार्ड दा मुंडा साडा हैगा। उन्होंने राउंड अप कर लिया, वो तीन नंबर डिवीजन से। बठिंडा के अमरपुरा बस्ती में एक गरीब परिवार की 7 वर्षीय बच्ची छत से गिरने से बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे बठिंडा के सरकारी सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बठिंडा के अमरपुरा बस्ती में ये परिवार एक किराए के मकान में रहता है और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। इस दौरान 7 वर्षीय बच्ची घर में बैठकर टीवी देख रही थी, जबकि 2 बच्चे छत के ऊपर खेल रहे थे। इस दौरान उक्त बच्ची कमरे की छत पर गई और अचानक नीचे गिर गई, जिस कारण वह बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे पड़ोस के लोगों ने उठाकर सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया है। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की गुहार भी लगाई है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। जी पई सी ते छत डिग गई। ते छोटी छत लगी नहीं जी मेरे तन। कितनी छत पुरानी सी? आए तो की पता हूं पुरानी जी सी। कितना पुरानी सी की छत? हां कितने तो उड़न दे। हाँ सानू हो गए 2-3 महीने हो गए वीरे रहंदे ना। किन्ने बजे डिग्गी हैगी? की कर रहे सी? ए तो टीवी देखी हुंदी सी वीरे ते आई जिवें टेढ़ी पई है सिर तां वीरे दा तां ही सीगा। मैं उत्थे वीरे अंदर बाल्टी लग गई सी पानी दी। विधानसभा क्षेत्र खेमकरण के अधीन आते गांव बैंका में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब गांव बैंका खुर्द के सरपंच जसवंत सिंह द्वारा बिना प्रस्ताव डाले गांव बैंका के बच्चों की खेल ग्राउंड में नाजायज तौर पर मिट्टी खोदकर माइनिंग की जा रही थी, जिसे गांव की मौजूदा सरपंच अमरजीत कौर ने मौके पर जाकर रोक लिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए सरपंच अमरजीत कौर ने कहा कि वह गांव बैंके की सरपंच है और यह खेल मैदान उनकी पंचायत में आता है, जिसमें उनके द्वारा 5 लाख रुपए लगाकर इस ग्राउंड को बच्चों के खेलने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन गांव बैंका खुर्द के सरपंच जसवंत सिंह द्वारा धक्के से इस खेल मैदान में से मिट्टी निकालकर नाजायज माइनिंग की जा रही है, जिस संबंधी उनके द्वारा थाना भीखीपिंड में लिखित शिकायत दे दी गई है, पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वहीं मौके पर पहुंचे थाना भीखीपिंड के ASI मंगल सिंह ने कहा कि सरपंच अमरजीत कौर द्वारा लिखित शिकायत दी गई है, उनकी ओर से मौके पर पहुंचकर काम को रोक दिया गया है और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो व्यक्ति भगाकर ले गए हैं उस पर जल्द ही बनती कार्यवाही की जाएगी। वहीं जब इस संबंध में गांव बैंका खुर्द के सरपंच जसवंत सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे कोई नाजायज माइनिंग नहीं कर रहे बल्कि सड़क को पक्की कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और वे इस संबंध में प्रस्ताव बाद में डाल देंगे। भीखीपिंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। पक्की सड़क आउंदी सी, वो छप्पड़ दे कंडे सी, वो डुब जांदी सी, जदों लंघ जिहड़ा बंद हो जांदा सी ओड़ी मिट्टी इत्थे पखड़ा होण करके उत्तों तों चका के ते उत्थे मिट्टी पवा के ते कंप्यूटर करा ला के पूरी वधिया ग्राउंड बनाउण दा साडा जरिया सी। ठीक है ना, ये नजायज़ जिहड़ा ये जिहड़ा कहे के ये माइनिंग करन दे ऐ करन दे, जे कदे मिट्टी एक ट्राली कदे घर च गई होवे अहीं देनदार आ। की जी मैं सरपंच मैं बैंके दी अमरजीत कौर सरपंच बैंके तो। ये जेडे माइनिंग करा रहे हो ने मैं मौजूदा सरपंच आ जी? ए आ जी बाहर दे माइनिंग बैंका खुर्द दे, अहीं आ बैंके पिंड दे सरपंच मैं। इहनां ए पैरी साडे सारे अंडर साडे आ। ए जेड़ी बनाई आ पारंग एदे विच मैं 5 लाख दी मिट्टी पवाई आ। अज आ कि पिछे नहीं तो चुप करके मैं नहीं करवा पाया। ये
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਨਾਪ ਦਾਇਆ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਧੋਨੋ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੀਏ ਡਿੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਡੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਡੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਲੱਥੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਰ ਕੀਤੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੇ ਆਰੋਪੋ ਮੇ ਘਿਰੇ ਔਰ ਜੇਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੋ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ ਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਗਤ ਰਾਤਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰਵਨ ਕੀਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹਾਥ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਭੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੋ 19 ਵਰਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਮੇ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਥੀ ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਮੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਥਾ तो वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दलेर मेहंदी की सजा पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी है जिसके तहत अब वे जेल से बाहर हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। के सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जेरे सिर ते तन तन गुरु रामदास अमरदास महाराज होण मारे बड़ी बड़ी कृपा जो गुरुआ ने किया 18 साल बाद बहुत थैंक यू। बठिंडा में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं जिसके चलते चोर गत रात्रि बठिंडा के पटियाला फाटक के नज़दीक स्थित एक किरियाने की दुकान में से 70,000 रुपये की नकदी और दुकान में पड़े महंगे शैम्पू परफ्यूम और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने बड़े ही आराम से बैठकर चॉकलेट खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी क्योंकि जब सुबह दुकानदार ने अपनी दुकान खोली तो कोल्ड ड्रिंक के खाली कैन और चॉकलेट के रैपर पड़े हुए थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार ने कहा कि उसने बड़ी ही मेहनत से 4-5 दिन की कमाई के बाद पैसे इकट्ठे किए थे जिससे उधार लिए सामान की पेमेंट करनी थी लेकिन चोर उनके सारे पैसे चोरी कर फरार हो गए हैं इसलिए पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से उसे न्याय दिलाने की मांग की है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। पंजाब में उस काले दौर के दौरान जिसमें बहुत सी बेअदबी के मामले सामने आ रहे थे उस दौरान एक नौजवान द्वारा एक गैजेट तैयार किया गया जिससे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी को रोका जा सके तो वहीं अमृतसर के एक नज़दीकी गांव में उक्त नौजवान द्वारा यह उपकरण लगाए गए जिसके चलते 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस जगह पर ना तो कोई चोरी हुई और ना ही कोई बेअदबी की घटना देखने को मिली जिसके चलते गांव वासियों की ओर से उक्त नौजवान का धन्यवाद किया गया और लोगों को अपील की जा रही है कि इस तरह के गैजेट लगवाकर गुरु घर की बेअदबियां और चोरियां रोकी जा सकती हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उक्त नौजवान विशाल सहदेव ने बताया कि जब वह बेअदबी की खबरों के बारे में सुनते थे तो उनके मन को बहुत ठेस पहुँचती थी जिसके चलते उनकी ओर से यह गैजेट तैयार किया गया जिसे उन्होंने गुरु साहिबान को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि उसे बहुत खुशी हो रही है कि उसका यह प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है इसलिए उन्होंने अपील की है कि गुरु द्वारा साहिबों में यह गैजेट लगवाना चाहिए ताकि बेअदबी की घटनाएं रुक सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज साडा सैटिस्फैक्शन का लैवल 100 जो 110% सैटिस्फैक्शन लैवल है क्योंकि जो असी ये प्रोजेक्ट लैके आए थे सब तो पहला पूरे पंजाब च मुगलानी कोट पिंड के जिहड़े प्रधान जी सी ते गोल्टी जी सी जिन्हां ने साडे ते विश्वास करके इस प्रोजेक्ट नूं लगाउण वास्ते सानूं हुलारा दित्ता कि तुसीं लगाओ चैक करो ते यकीन है कि असीं ते उत्थों तक ये भी बेनती की सी कि असीं शायद सानूं पैसे भी हाले ना दो बट इन्हां ने उस वेले पैसे दे के भेजे सी भी नहीं तुहाडी भी मेहनत ते एफर्ट हैगा तुसीं लैके जाओ पैसे। सो अज मैं बेसिकली प्रधान जी दा या इस पिंड दा ही शुक्रगुजार करदा कि जिन्हां ने इस तरह दा मौका दित्ता। अज तुहाडे सामने रिजल्ट हैगा 10 बंदिया का फीडबैक भी ले लो कि इतने 2-4 वारी दसया जा रहा जिस तरह
बेअदबी या चोरी रोकने की जी घटना असी रोके है। नहीं इतने तुहाडे सामने कोई फाल इनू फालस अलार्म कहा जाता है टैक्निकल भाषा च भी छिपकली निकलने भी हूटर वजेगा, पर तुहाडे सामने 2 साल हो गए है फालस अलार्म कोई भी नहीं वजिया। हाँ बिल्कुल 2 साल पहला जिस असी टारगेट नाल चीज़ नू डिवेलप किया कई रात जाके R&D की इस चीज़ के उपर टैक्नोलॉजी से काम किया जो इंप्लीमेंट होकर सही तरीके का रिजल्ट आया अज खुशी बहुत ज़्यादा सानू। काफ़ी निगरानी रखने के बावजूद ही टाइम तो टाइम कभी बारी तोड़ती दरवाजा तोड़ता कुंडा पुड़ता इस तरह करके उन्होंने अंजाम देनों बाज नहीं आए। फिर सानू ये वीर ने इकबाल सिंह जी ने इस अपने को फेसबुक के उत्ते हूटर बारे कैमरिया बारे जानकारी लेके तो इन्हें फिर अपने प्रधान जी साहब उन्होंने गुरद्वारा साहब के संगत के नाल फिर जो विचार की गई तो इस चीज़ में असी ये अपनाया कि जरूरी जे यदा बेनीफिट मिलता है तो इसको लगवाना चाहिए। सारी संगत ने अपना संजोग भी दिता जी, फिर इन्होंने कंपनी वाल काफ़ी संजोग सानू मिलया जिन्होंने कहा कि सानू तुसी सेवा भी बेशक ना दिओ पर एक बार लगवा के जरूर इनू वेखो। फिर असी उन्होंने भरोसा किया हो फिर संगत के संजोग के नाल ये जो लगवाए गए कैमरिया समेत ही तो इस साढ़े दो तीन मैंबर के नाल मोबाइल ते टच किया गया जी बाबा जी समेत ग्रंथी साहब के नाल जो भी कोई इत्थे हूटर टैम तो आउट वजदा सी तो फिर सानू मैसेज पहुँच जाते सन उस वेले फिर निगरानी हो जाती सी कि हुण अमृत वेला नहीं है जां संध्या दा टाइम नहीं है तो हूटर क्यों वज्जिया कोई शरारती ना आया होवे। फरीदकोट के बरजिंदरा कॉलेज में चल रहे बाबा फरीद मेले के दौरान साहित्य विचार मंच फरीदकोट की ओर से बाबा फरीद पुस्तक मेला लगाया गया जो कि 19 सितंबर से 23 सितंबर तक लगाया जाएगा। इस पुस्तक मेले में हजारों की संख्या में अलग अलग विषयों पर आधारित पुस्तकों को शामिल किया जाता है ताकि पंजाबी साहित्य को समझने वाले लोगों छात्रों और गांवों से पहुंचने वाले लोग इन पुस्तकों को पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकें। इस मौके पर पहुंचे स्कूल के बच्चों ने कहा कि उन्होंने अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदी हैं और उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं स्कॉलर सीनियर स्कूल तो अराइया वाला कला स्कूल तो असं इतने सारे विद्यार्थी इतने प्रदर्शनी के आए हुए हाँ। इतने असं मतलब कि आपके लैवल दिए सारे बच्चे आपके अपने अकॉर्डिंग मतलब कि जो भी उन्होंने चंगी लगती आप कहानियाँ या कुछ होर भी नावल उन्होंने चंगे लगे कई ने तो बुक्स खरीद लिया तो कुछ होर भी खरीद रहे हैं तो असं इतने आके बहुत ही वधिया फील कर रहे हैं क्योंकि इतने मतलब कि बहुत दूरों दूरों लोग बुक्स लैन लिए आ रहे हैं। असी थानू बाबा फरीद मेले के अपने स्कूल स्कॉलर सीनियर स्कूल अराइया वाला कला वालों बाबा फरीद स्कूल बाबा फरीद मेले के बधाई देने हाँ। साहित्य विचार मंच फरीदकोट वालियों हर साल पुस्तक प्रदर्शनी लगाई जाती है, 5 रोज़ा पुस्तक मेला लगाया जाता है। इस दे विच दिल्ली तो लैके सारे पंजाब दे विचों पबलिशर पहुँचे हुए हैं, लगभग 45 पबलिशर साढ़े कोले पहुँच चुके हैं। इस तो बिना पुस्तक मेले दे विच साहित्यक समागम कराए जाते हैं। कल साहित्यक समागम दे विच पाली भुपिंदर जी आए थे, चरण लखारी जी आए थे। चरण लखारी जी दे वास्ते तां मैं कह सकदा कि लोगों ने इन्ना चरण लखारी नूं प्यार दिता कि समझ तो परे सी कि गल रख के रोण भी लग गए लोग चरण लखारी दे। कई जिहड़े उहदे प्यार करन वाले उहदे साथी सीगे जिहड़े उहनूं मिलना चाहुंदे सीगे। अज साढ़े कोले बलविंदर सिंह ढिल्लों ते नवदीप सिंह गिल पहुँच रहे हैं। बठिंडा के सिविल अस्पताल में पुलिस ने स्पेशल चेकिंग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए ASI गुरमीत सिंह ने बताया कि अस्पतालों में मरीजों के पास नकदी ज्यादा होने के कारण यहां पर जेब कतरे व चोर लोग मरीजों को निशाना बनाते हैं जिसके चलते मरीजों के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे और शरारती तत्वों में पुलिस का खौफ रहे इसलिए ये चेकिंग की जा रही है। इस दौरान जो लोग बाहर से मरीजों से मिलने के लिए आ रहे हैं उनके बैग व अन्य सामान की भी जांच की गई। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। आप सिविल अस्पताल जी काफ़ी रश हों OPD वगैरह के इतने असं चैकिंग कर रहे हैं, एक दो शिकायत मिली सी भी लोग जेब कतरे भी इतने आंदा है खालसा उस बारे चल रही है। असं पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी लगाई। किस तरह चैकिंग की जा रही है? एकदम निगरानी रखी जा रही है जी, मतलब अलग अलग सिविल कपड़े भी एक दो मुंडे लाए हुए हैं। दादी गुलाबो देवी जैन पाटनी परिवार संगठन की ओर से 270वें मासिक भावना कीर्तन का आयोजन दादी गुलाबो देवी समाधि स्थल नज़दीक बस स्टैंड लुधियाना में किया गया। कीर्तन का लाभ संगठन के प्रधान नरेश जैन शारू, नेमचंद वरिंद्र कुमार जैन, सुशील कुमार पुनीत जैन ने लिया। कीर्तन में बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर समाधि स्थल पर माथा टेका। सर्वप्रथम प्रातः मटी स्नान किया गया, सायंकाल को कीर्तन का आयोजन किया गया।
कीर्तन में अनिल जैन बादल एंड पार्टी तथा हरीश जैन बादल एंड पार्टी ने मधुर भजनों से दादी रानियों का गुणगान किया। इस दौरान प्रीति भोज का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर दादी गुलाबो देवी जैन पाटनी परिवार संगठन के सदस्यों ने लाभार्थी परिवार का बहुमान किया। इस मौके पर संगठन के प्रधान नरेश कुमार जैन शारू, उप प्रधान एवं कैशियर विपन पाल जैन, महामंत्री संजीव जैन, राहुल जैन शारू, राकेश जैन, संजीव जैन, अजीत जैन, निखिल जैन, बंटी जैन, संजीव जैन, भूपेंद्र जैन, दिनेश जैन, दादी गुलाबो देवी जैन पाटनी युवक मंडल के प्रधान पीयूष जैन, महामंत्री अमित जैन, कैशियर सौरभ जैन, वरुण जैन, सनी जैन, गौरव जैन, राजन जैन, गौरव जैन, राहुल जैन और सुव्रत जैन सहित कई लोग उपस्थित रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। 270 महीनों से लगातार इस दरबार में कीर्तन दरबार हो रहे हैं, जिदा श्री साढ़े स्वर्गीय प्रधान डॉक्टर सागर चंद जी जैन जिन्होंने कीर्तन दरबार शुरू कराए थे और अज तक कीर्तन लगातार चल रहे हैं। पक्ष के उपलक्ष्य में पितरों के उद्धार हेतु नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में करवाए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित संगत को कहा कि वास्तव में धनवान व्यक्ति वही है जो अपने तन मन धन से सेवा भक्ति करे। उन्होंने कहा कि सभी को गौ माता की सेवा, गायत्री मंत्र का जाप और गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर सांसद चौधरी संतोख सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पार्षद पति मोहिंद्र सिंह गुल्लू, कॉमेडी कलाकार संदीप जीत पतीला, राहुल जीत, आप नेता राजकुमार राजू, शिव शंकर मंदिर शिवनगर के चेयरमैन गुरदत्त शिंगारी और रमेश शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भगवान दास शर्मा, राजेंद्र शर्मा, अजय मल्होत्रा, हरेकांत झा, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र, संजय चड्डा, पंडित मायाराम, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, जीवन शर्मा, रोशनलाल, बीपी सिंह, राहुल शर्मा, हरनूर सिंह भाटिया, गुरप्रीत सिंह भाटिया, रितु शर्मा, मीनू मल्होत्रा, सावित्री देवी, वीना देवी, रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, धूप वाले, श्री कृष्ण मुरारी मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान चमनलाल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, कैशियर नरेश राजन, अश्विनी भारद्वाज, सुभाष वर्मा और स्त्री सत्संग संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा सहित असंख्य गुरु भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। उसकी प्रसिद्धि हो जाए।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा की सब तहसील भादसों में कलयुग के बेटे ने पिता का किया कत्ल, जमीन के छोटे से टुकड़े को अपने नाम करवाने को लेकर कर रहा था विवाद। जीरा के क्षेत्र मक्खू सुल्तानपुर रोड पर पुलिस नाके के दौरान एक ब्लैरो गाड़ी ने नौजवान को कुचला। पारिवारिक सदस्यों ने शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया रोष प्रदर्शन। भीखीविंड के गांव भगवानपुरा में विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई फायरिंग, 5 लोग हुए घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।